जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैंने सांस को रोक के बनाया है। अलिफ के ऊपर से स्टार्ट करूँगा। ये देखिए नुक्ता मैंने बनाया है, सीधा सीधा से नुक्ता नहीं। स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पे ऐसे सीधा नुक्ता लगा देती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे गुलाई है और फिर यहाँ पे रखा, अब यहाँ से ऐसे गुलाई करनी है कि देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर यही चीज़ बनानी है, नोक के साथ नोक मिलाते हुए। ये देखिए हाथ को रोक रोक के, ठहर ठहर के, समझ के बनाना है आपने। अब देखें कि अक्सर स्टूडेंट से आधा कात इस्तेमाल नहीं होता, तो उसका ये तरीका है कि आपने यहाँ से जब स्टार्ट करना है, शुरू में बारीकी देनी है, तो आपने नोक का इस्तेमाल करना है और प्रेशर कम देना है, ठीक है। ऐसा सा जब आगे जाना है तो आपने थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसको कम्प्लीट करना है, तो ये फिर ऐसा सा मोटाई आ जाती है। सलसल गुलाई, सांस को रोक के, मुझे साथ बोलना भी पड़ रहा है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है क्योंकि सांस को रोक के बनाना होता है। अब नुक्ते कोशिश करें कि बीच में नहीं घुसाने, इन नुक्तों के बराबर ही अगर नुक्ते बनाएं और ये जो गुलाई है इसके बराबर नहीं बनाने, थोड़े से ऊपर रखने हैं, तो फिर इस तरह नुक्ते अच्छे लगेंगे। यास्मीन।